दोस्तों मेरे इस वीडियो में काफ़ी कमेंट आई थी आप लोगों के थ्रू कि भाई एक स्टेंजर की मिक्सर पर वीडियो बनाइए, उसकी मास्टर सेटिंग बताइए, किस तरह से उसे हमें डीजे और लाइव प्रोग्राम के लिए सेट करना चाहिए। तो आपके उन कमेंट्स का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं स्टेंजर की मिक्सर की मास्टर सेटिंग लेके आया हूँ, उसमें आपको बताएंगे कि हमारे मास्टर फेडर कितने खोलना चाहिए और एक्सिलरी फेडर कितने रखने चाहिए, गेन, बेस, मिड, हाई, सब कुछ कितना कितना रखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम क्लियर करने वाले हैं। काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं अपने साउंड सिस्टम में, जो कि मिक्सर की सेटिंग को गड़बड़ कर देते हैं, अंदाज़ा लगा देते हैं कि कितना होना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे मिक्सर के द्वारा दिया हुआ सिग्नल हर एक एम्पलीफायर में जाता है। अगर मिक्सर से हम अपने सिग्नल को बेकार कर देंगे तो पूरा साउंड सिस्टम खराब बजने लगेगा। तो इस वजह से आप मिक्सर को काफ़ी अच्छे सेट करिए। ये सेटिंग मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन स्टेंजर का मिक्सर चलाया है, करीब साल दो साल। तो पूरा मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं शेयर करूँगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, मैं उसे यूज करता था, काफ़ी अच्छे होते हैं स्टेंजर के मिक्सर। लोग बोलते हैं नहीं, सस्ते होते तो मतलब गड़बड़ होंगे, लेकिन नहीं, ये मिक्सर बहुत अच्छे होते हैं। अगर इन्हें अच्छे से चलाया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा अगला वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए भाई। आप लोगों में से लाखों लोग मेरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पर अपना पूरा टेस्ट कराएंगे, एक करके सिग्नल को ऑन करके पूरी सेटिंग बताएंगे। ये मेरा मिक्सर लगा हुआ है और यहाँ मैंने लैपटॉप रखा है सिग्नल पर, ठीक। पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसमें इसका पावर ऑन करके और इसका सिग्नल देके साउंड को चला करके, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। सिर्फ आपको मैं इस लेवल के माध्यम से बताऊंगा कि इसका मास्टर सेटिंग कैसे करना है, एक एक करके पूरा सेटिंग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी छोटी सी स्किप भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हटा सकती है, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम पावर ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने पावर ऑन कर लिया है, ठीक। और आपको सबसे पहले मैं आपका जो मास्टर मेरे मेन मास्टर हैं, इनको बताऊंगा आपको कितना इन्हें रखना है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसका जो लेफ्ट वाला है इसको भी सीधा ऐसे कर देना है, ये पांच के सामने यहाँ पर, ठीक है। और ये जो राइट वाला है इसको भी पांच के सामने ऐसे कर देना है, यहाँ फाइव दिख रहा है जो, ठीक है। कितना कर देना है, इसको ऑफ रखना है, इसको ऑफ रखना है, इसको ऑफ रखना और इसको ऑफ रखना, ये सब ऑफ रहेंगे। आपको बता दें कि ये हमारा जो होता है, जब माइक लगाते हैं तो वहाँ पर इफेक्ट देने के लिए होता है, और ये इफेक्ट को कितना कितना अप्लाई करना है इसके लिए होता है। ये हमारे मेन होते हैं, ठीक। मेन को सीधा कर देंगे और उसमें अब आपको आना है यहाँ पर, जिस पर हमारा माइक या लाइन लगा हुआ है। फिलहाल मैं इसको डीजे के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लाइन लगाई है और अपने लैपटॉप से यहाँ पर जोड़ के रखा है, ठीक है, सिग्नल्स को। अब आपको इस फेडर की सेटिंग कितनी करनी है, आपको यहाँ पर देखिए, ये जो अपना गेन आता है सबसे एक नंबर पर, गेन को आपको एकदम सीधा कर देना है, ठीक, सीधा करना है। कम रहेगा, थोड़ा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और अब आता है यहाँ पर हमारा बेस यानी लो। इस लो को हम यहाँ से जाएंगे, ये आधा हुआ जियो के सामने, इसे थोड़ा सा कम कर देंगे, हल्का सा, इतना करेंगे। ये स्टेंजर का मिक्सर है, इसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसे कस्टमाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप यही सेटिंग अप्लाई करना, यही मास्टर सेटिंग है इसकी। और काफ़ी दिन हमने इन मिक्सर को यूज़ किए अपने डीजे सेटअप पर, इस वजह से आपको मैं अपनी जो पूरा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा आता हमारा मिड वाला नॉब। मिड नॉब को अपना यहाँ से जाना है, लगभग 35% इसको कर देना है यहाँ पर, यानी ये आधा हुआ, आधा से थोड़ा सा गिरा के 35% आपको बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग इतना ही कर देना है मिड सेक्शन को। और हमारा अगला आया ये ट्रिबल यानी हाई, इसको आपको सीधा एकदम जीरो पर कर देना है, यहाँ पर जीरो दिख रहा है ऊपर, ऐसा कर देना है। और पैन जो है ये लेफ्ट और राइट में सिग्नल्स को डिवाइड करता है, यानी कि अगर हम इधर कर देंगे तो सिर्फ ये वाला फेडर चलेगा, ये वाला लेवल चलेगा, अगर इधर कर देंगे
इसको इधर, तो ये वाला लेवल बस चलेगा। इसलिए हमें दोनों लेवल चलाने, इसलिए हमें यहाँ पर इसे जीरो पर ऐसे रखना होगा। अब ये दोनों लेवल्स को अच्छे से आउटपुट करेगा। ठीक, अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लेवल है ये कितना जाना चाहिए, जीरो पर रहना चाहिए कि प्लस पर रहना चाहिए, कहाँ तक रहना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सिग्नल देता हूँ और इस फेडर के विषय में बताऊँगा कि ये फेडर कहाँ तक रखना चाहिए। सबसे पहले सिग्नल ऑन करते हैं। ये मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया, जैसे ही प्ले किया यहाँ पर ये पीक लेवल आने लगा। ठीक है, ये स्टेंजर की सबसे बड़ी कमी है, थोड़ी सी भी वॉल्यूम पर ये पीक देने लगता है, ये गलत बात है, इसे नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इतना हमारे करने के बाद यहाँ पर इसको बढ़ाते रहेंगे ऐसे करके, ये इस फेडर को, ये यहाँ पर जीरो दिख रहा है ना, ऐसा इसमें भी है इधर, लेकिन इसी के सामने आपको जो व्हाइट वाली पट्टी है ऐसे कर देना है। और आप देख रहे हैं इतना करने पर यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये जीरो प्लस वन प्लस टू यहाँ तक जा रहा है। अभी आपको इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ये प्लस थ्री नहीं टच करना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसका जो मास्टर सेटिंग है, जो हम एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं जैसा हम चलाते थे, अगर इसमें टच करने लगता है तो साउंड से आवाज़ फटने लगता है। आपको साउंड से आवाज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी है, सिग्नल को बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ यही मास्टर सेटिंग अप्लाई करनी है। आपके लिए पूरी जानकारी देंगे कि अगर मोबाइल से बजा रहे हैं आप तो कैसा करेंगे। देखिए, जैसे कि मोबाइल में सिग्नल वीक होता है तो आपका लगभग ऐसा चलेगा, ये ऐसा हल्का फुल्का आएगा। तो आपको इसको ये जीरो की बजाय इस वाले को यहाँ तक फुल कर देंगे तब भी चलेगा, मोबाइल से अगर चला रहे हैं आप। ठीक, अगर इसके बावजूद भी आपको वॉल्यूम कम लग रही है तो आप यहाँ आप कुछ नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना, आपको सीधा आना है यहाँ पर, यहाँ से फुल कर दिया तो अब आपको आना है यहाँ पर, इस सेक्शन को आपको कुछ नहीं छेड़ना, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर बढ़ाने का ऑप्शन है लेकिन गेन हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, आपको यहाँ पर आना होता है। ठीक, आप यहाँ से मर्जी अनुसार अपने ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मास्टर सेटिंग थी आपकी वही थी, इसको सीधा कर दिया, ऐसा सीधा कर दिया, इसको यहाँ पर जीरो पर ऐसे रखा है, जीरो के साथ। ठीक, ये मास्टर सेटिंग है। अगर आपको बढ़ाना है और भी बूस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको फुल कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको। ठीक, और हाँ, ये कोई लक्ष्मण जी की लकीर नहीं है कि इसके हम अपना यही सेटिंग रखेंगे। जैसे कि आपको बेस कम लग रहा है तो आप यहाँ से बेस ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा कम कर देना, लेकिन मास्टर सेटिंग आपकी यही है। ठीक, इसको भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, वीडियो में हम आपको इतनी सारी जानकारी दी है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके सामने हम लाते रहते हैं डीजे और म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े हुए। चलिए, वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।